वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास एट के विद्यार्थियों के लिए एक पोएम का क्वेश्चन आंसर देखेंगे, जो है व्हेन सचिन वॉक्स आउट टू बैट, जब सचिन जो है बैटिंग करने के लिए जाता है। ठीक है, ये देखिए एट क्लास का यूनिट सिक्स है जेसीईआरटी बुक से। इसे लिखी है रस्किन बॉन्ड ने, जो जाने माने हमारे पोइट हैं। अब देखिए इसके सभी प्रश्न उत्तर को हम लोग देखेंगे, ऑल क्वेश्चन आंसर। ठीक है, एक्सप्लोर द पोएम। सबसे पहले इसे रिलेटेड हम लोग देखें, पहला क्वेश्चन है नेम द पोएट, तो पोएट का नाम क्या है, रस्किन बॉन्ड। ठीक है, अगला है व्हाट इज द रिएक्शन ऑफ द क्राउड व्हेन सचिन एंटर्स द फील्ड। और जो ऑडियंस है ना, जो क्राउड हैं, जो देखने वाले होते हैं, उसका रिएक्शन क्या होता है जब सचिन फील्ड पे जाते हैं। तो देखिए इसका आंसर द क्राउड बिकेम एक्साइटेड व्हेन सचिन एंटर्स द फील्ड। अब सचिन जब फील्ड पे जाते हैं ना, तो क्राउड जो है, ऑडियंस जो है, वो एक्साइटेड हो जाते हैं, काफ़ी उत्तेजित हो जाते हैं सचिन को एक झलक देखने में के लिए, उनके शॉट्स को देखने के लिए। व्हाट डू यू मीन बाय डिफिनिंग साउंड। डिफिनिंग साउंड का क्या मतलब है आपको बताना है। आंसर देखिए, इट मीन्स एक्सेसिव लाउड चीयरिंग। इसका मतलब होता है कि आप चीयरिंग करना, मतलब काफ़ी ज़्यादा उत्साह आनंद मनाना, काफ़ी ज़्यादा शोर शराबा करना। जैसे सचिन शॉट्स मारते हैं तो कैसे शोर शराबा होता है, तो उस तरह से इसका मीनिंग हो जाता है। अकॉर्डिंग टू द पोएट व्हाट मेक्स सचिन अ वंडरमैन। कवि के अनुसार सचिन को जो है एक वंडरमैन, एक अद्भुत आदमी कौन बनाता है। ठीक है, देखिए अकॉर्डिंग टू द पोएट सचिन हैज़ मेड ऑफ प्रैक्टिस एंड ही ट्रूली लर्न टू लव द गेम। दिस हार्ड वर्क्स मेक हिम अ वंडरमैन। सचिन की जो कड़ी मेहनत है ना, उनके जो ईयर्स ऑफ प्रैक्टिस, मैंने सालों साल तो जो प्रैक्टिस करते हैं, एक्चुअली वो और क्या करते हैं, उसके साथ गेम को लव करते हैं, यानी गेम को खेलना पसंद करते हैं। तो इस तरह के जो उनके हार्ड वर्क हैं, जो सचिन को काफ़ी ज़्यादा वंडरमैन बना देते हैं। ठीक है, अब अरेंज द इवेंट इन द करेक्ट ऑर्डर। आपको यहाँ पे सेंटेंसेस मिलेंगे जो अलग थलग रहेंगे, इसको अरेंज करना है। तो सबसे पहले आप बी लिखेंगे, फिर ई वाले सेंटेंस लिखेंगे, फिर एफ वाले सेंटेंस लिखेंगे, फिर ए वाले सेंटेंस लिखेंगे, फिर डी वाले सेंटेंस लिखेंगे, फिर सी वाले सेंटेंस लिखेंगे। तो ऐसे में आप अरेंज कर देंगे तो आपका एक अरेंजमेंट हो जाता है और सेंटेंस जो है एक पैराग्राफ जैसा बन जाएगा। अगला है कंप्लीट द सेंटेंस। कंप्लीट द सेंटेंस, वहाँ आपको ब्लैंक स्पेस मिलेंगे, तो ब्लैंक स्पेस में आप भर देंगे डिफिनिंग साउंड, फिर आगे लिखेंगे ही टेक्स हिज क्लाइंट्स, फिर है अ हैंडसम क्लॉट, और फिर है हम्बल एंड प्राउड। ये चीज़ें आप भर देंगे तो आंसर आपके सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट देखते हैं वर्ड पावर। वर्ड पावर में क्या है, वर्ड्स रिलेटेड टू क्रिकेट। क्रिकेट से रिलेटेड कौन कौन से वर्ड हो सकते हैं, देखिए पिच हो सकते हैं, बॉल हो सकते हैं, बैट हो सकते हैं, स्टैंड्स हो सकते हैं, फील्डर, स्पिन, शॉट, गली, कवर ड्राइव, बैट, विकेट, बॉल, ये सब सारे वर्ड्स हैं क्रिकेट से रिलेटेड। अगला है मैचिंग वर्ड्स। मैचिंग वर्ड्स आपको करना है, देखिए हेट को यहाँ लिखिए, मैचिंग वर्ड जो है वो एंटोनिम है, मतलब विपरार्थक शब्द। हेट को आप लव से मैच कर देंगे, प्राउड को आप हम्बल से मैच कर देंगे, फ्रेंडली को हॉस्टाइल से मैच कर देंगे, और अगली को हैंडसम से, और हस को नॉइस के साथ मैच कर देंगे। तो बिल्कुल आसान है व्हेन सचिन वॉक्स आउट टू बैट, इसके प्रश्न उत्तर मैंने आपको अभी बताए, आप इसे कंप्लीट कर लेंगे, आपको मार्क्स अवश्य मिलेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।